हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मिक्स दाल की खिचड़ी, मकर संक्रांति स्पेशल। इसको बनाने के लिए हमको चाहिए एक कटोरी मिक्स दाल, एक कटोरी चावल, एक कटोरा टमाटर, 4 से 5 कलियां लहसुन की, इनको मैंने काट लिया है, एक कटी प्याज, थोड़े से मटर के दाने, 2 कटे हुए आलू, नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा देसी घी। साबुत मसालों में हमको चाहिए 3 से 4 साबुत लाल मिर्च, 2 से 3 तेज पत्ते, आधी चम्मच जीरा, काली मिर्च, लौंग, 3 से 4 इलायची छोटी, 2 बड़ी इलायची। मैंने चावल और दाल को अच्छे से धो लिया था और 5 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया है। अब हम गैस पर कुकर रखेंगे, देसी घी डालें 2 से 3 चम्मच, गर्म होने पर जीरा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची छोटी इलायची, तेज पत्ते, सबको भुनने देंगे। लहसुन डालें, लहसुन को भी भुनने दें। प्याज डालें, प्याज को ब्राउन होने तक भुनने दें। हल्दी डालें, मिर्च, सबको एक साथ चला लें। कटा हुआ टमाटर डालें, सबको भुनेंगे। आलू, मटर, सबको एक साथ चला लें। स्वाद के अनुसार नमक डालें, गरम मसाला, सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। अब भीगे हुए चावल और दाल डालेंगे, सबको एक साथ चलाएं। 4 कटोरी पानी डालें, हमने 2 कटोरी दाल चावल लिए थे इसलिए 4 कटोरी पानी डाल रहे हैं, सबको एक साथ चला लेंगे। अब कुकर का ढक्कन बंद करेंगे, 1 सीटी लगने तक बनने देंगे। 1 सीटी लगने के बाद 2 मिनट के लिए धीमी गैस पर रखेंगे, फिर गैस को बंद कर देंगे। जब कुकर की स्टीम निकल जाएगी तब खोल कर देखेंगे। हमारी मिक्स दाल की खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है, देखिए देखने में कितनी अच्छी बनी है। चलिए इसको एक प्लेट में सर्व करते हैं, प्लेट में खिचड़ी डालें। अब हम खिचड़ी में देसी घी का तड़का लगाएंगे, गैस पर 1 चम्मच रखें, इसमें घी डालें, जीरा, जीरे को भुनने दें, दो साबुत लाल मिर्च डालें, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बनी हुई खिचड़ी पर तड़का लगा दें। हमारी गर्मा गर्म खिचड़ी खाने के लिए तैयार हो चुकी है, इसको आप दही चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरी रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।